स्टूडेंट्स इन माई लास्ट लेक्चर दैट इज इन माइकोलॉजी पार्ट इलेवन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ़ फंजय और इस इसमें फंजय का जो क्लासिफिकेशन जिस बेस पर मैंने आपको समझाया था वो क्लासिफिकेशन था एलेक्पोलस के बेसिस के ऊपर आज हम बात करेंगे माइकोलॉजी के पार्ट ट्वेल्थ में जो फंजई का क्लासिफ़िकेशन एलेक्ज़ोपोलस एंड मिम्स ने दिया था और बी पार्ट फर्स्ट में ये क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो आप इसे आ, ध्यान से सुनेगा बेसिस जो मैंने रखे थे क्लासिफिकेशन के वो मैंने जो पहले बताए थे उन्हीं के बेसिस के ऊपर ही मैं आपको आज का ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बताऊंगी जो कि एलेक्ज़ोपोलस एंड मिम्स ने दिया था एलेक्ोपोलस एंड मिम्स ने जो चेंज किया वो ये चेंज था कि उसमें फंजय को एलेक्ज़ोपोलस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसने किस में रखा था डिवीजन माइकोटा के अंदर लेकिन यहाँ पर उन्होंने एलेक्ज़ोपोलस एंड मेम्स में पूरा एक फंगल किंगडम ही अलग बना दिया उस फंगल किंगडम को उन्होंने नाम दिया किंगडम माए सिटी तो किंगडम माए सिटी जो था ये पूरा का पूरा क्या है एक फंगल किंगडम है इस फंगल किंगडम को माइसिटी को इन्होंने एग्जोपोलसन मेम्स ने तीन डिविजन्स में बाँटा और वो कौन से तीन डिविजन्स थे वन इज़ जिम्नो माइकोटा सेकेंड वन इज मेस्टिगो माइकोटा एंड थर्ड वन इज़ ए मेस्टिगो माइकोटा तो तीन इन्होंने किंगडम माइसिटी के डिवीजन्स बना दिए हम बात करेंगे सबसे पहले डिवीजन की दैट इज़ जिम्नो माइकोटा जिम्नोमाइकोटा के जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो फेगोट्रॉफिक टाइप ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती मैंने आपको बताया था कि जो एलेक्जोपोलस ने क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने उसको मिक्सो के अंदर रखा था जिसमें सेल वॉल नहीं होती है तो सेम यहाँ पर एलेक्ोपोलस एंड मेम्स ने उस मिक्सो की जगह जो जो उन फंगल मेंबर्स को इसमें रखा जिम्नोमाइकोटा में जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती तो नाम चेंज होकर के क्या हो गया डिवीजन जिम्नोमाइकोटा अब ये जो जिम्नोमाइकोटा थे इसके मेंबर्स सारे के सारे वही स्लाइम मोल्स होते हैं जिसके अंदर जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ नेकेड मल्टी न्यूक्टेड प्रोटोप्लाज्म जिसे क्या कहा जाता है या तो प्लाज्मोडियम कहा जाता है या सूरो प्लाज्मोडियम कहलाते हैं जिनकी बॉडी जो है अमीबा के समान दिखाई देती है सेल वॉल के बिना होती है तो बेसिकली ये कौन से मेंबर्स हो गए स्लाइम मोल्ड्स हो गए जिन्हें ट्रू फंजी नहीं कहा जाता है और इसको इन्होंने दो सब डिविजन्स में बांटा वन इज एक माइकोटिना पहला एक्रेजियो जिम्नो माइकोटेना और दूसरा प्लाज्मोडियो जिम्नो माइकोटेना अब एक्रेजियो माइकोटेना जो था जो सब डिवीजन था उसके अंदर सिर्फ एक क्लास को रखा दैट इज एक्रेजियो माइसिटीज जो कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स कहलाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक क्लास आई और वो क्लास कौन सी है एक्रेजियो माइसिटीज और प्लाज्मोडियो जिम्नो माइकोटेना जो सब डिवीज़न था उसके अंदर कौन सी दो क्लासेस आई प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज एंड मिक्सोमाइसिटीज यहाँ पर ये एक नई क्लास इन्होंने ऐड कर दी डेट इज़ प्रोटोस्टीलियोमाइसिटीज़ माइसिटीज मिक्सोमाइसिटीज ऑलरेडी मिक्सोमाइकोटेना के अंदर रखी हुई थी एलेक्सोपोलस के क्लासिफिकेशन में तो मिक्सोमाइसिटीज इज सिमिलर लेकिन जो नई ऐड की वो प्लाज्मोडियो जिम्नो माइकोटेना के अंदर जो सब डिविज़न है वो प्रोटोस्टीलियो माइसिटीज को उन्होंने रखा इसके बाद हम आ जाते हैं मेस्टिगो माइकोटा के ऊपर अब मेस्टिगो माइकोटा के जो जो इसमें जो फंगल मेंबर्स आते हैं जो फंजाई आती है उसके अंदर पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और वो पहली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेस्टिगो माइकोटा के मेंबर्स में मोटाइल सेल्स पाई जाती है सिमिलरली जो फाइकोमाइसिटीज की जो मैंने चार क्लासेस बताई थी काइटिड्रियोमाइसिटिस हाइफोकाइटिड्रियोमाइसिटीज प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज़ आप इस क्लासिफिकेशन में वो चारों क्लासेस के नाम यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको दिख रहा है दिस इज काइट्रीड्रियो माइसिटीज़ हाइफो काइट्रीडियो प्लाज्मोडियो फोरोमाइसिटीज एंड ओ ये चारों के चारों फाइकोमाइसिटीज़ की वो क्लासेस हैं जिसके अंदर फाइकोमाइसिटीज़ मैंने बताया था एल्गल फंजोई होती है और जिसको उन्होंने एलेक्सोपोलस ने पूरा जो इनकी जो चार क्लासेस थी उसको उन्होंने फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर उन क्लासेस में किस बेसिस पे बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ मोटाइल सेल्स प्रेजेंट और एब्सेंट के बेसिस पे तो यहाँ पर मेस्टिगोमाइकोटा जो डिवीजन है उसके अंदर मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं क्लियर दे आर ऑस्मोट्राफिक ऑस्मोट्रॉफिक माने जिनका एब्जॉर्प्टिव टाइप का न्यूट्रिशन होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं एनगल्प नहीं करते अंदर निगलते नहीं हैं यानी एब्जॉर्बिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिनमें पाया जाता है और ये जो फंगल मेंबर्स होते हैं मेस्टिगोमाइकाटा के मेंबर्स जो होते हैं दे आर यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं से लेकर के ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं माइसीलियम टाइप के भी हो सकते हैं पर माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट होता है और एसेप्टेट होता है इसीलिए माइसीलियम क्या होता है सीनोसिटिक टाइप का होता है मैंने कहा था मोटाइल सेल्स पाई जाती हैं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जू स्पोर्ट्स के द्वारा होता है जो कि मोटाइल होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार से हो सकता है अब इसके अंदर दो सब डिविजन्स इन्होंने रखे वन इज हैप्लोगो हैप्लो मेस्टिगो माइकोटिना है और दूसरा है डिप्लोमेस्टिगो माइकोटिना हैप्लो में सिर्फ एक ही आपका क्या होगा मीन सिंगल सिंगल क्या होगा फ्लैजिला होगा तो काइटेडियो हाइफोकटेडियो और फोरोमाइसिटीज के अंदर ये वो हैं जो हैप्लोमेस्टिगो माइकोटेना में रखे गए हैं और डिप्लोमा मेस्टिगोमाइकोटेना के अंदर ओमाइसिटीज क्लास को रखा गया है तो टोटल चारों क्लासेस वही मोटाइल सेल्स वाली जिसके अंदर मोटाइल जू स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि फ्लैजिलेटेड होते हैं उनको रखा गया है अब हम बात करेंगे जो तीसरा आपका डिवीज़न है किंगडम माई सिटी का जो तीसरा डिवीजन है अब हम उस डिवीज़न की बात करेंगे और उस डिवीजन का नाम है ए मेस्टिगो माइकोटा ए मेस्टिगो माइकोटा के अंदर मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती पहला इम्पोर्टेंट करैक्टर दूसरा दे आर ऑल्सो अगेन ऑस्मोट्रोफिक यानी जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को उन्हें ऑस्मोट्रोफिक कहा जाता है फिलामेंट्स या यूनिसेल्युलर थैलस इनके अंदर पाया जाता है जो वेजिटेटी या सोमेटिक थैलस जो होता है वो यूनिसेल्युलर या फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है एंड इट कैन बी सेप्टेट और एसेप्टेट यानी वो सेप्टेट भी हो सकता है और एसेप्टेट भी हो सकता है एंड इफ़ दे आर सेप्टेड तो उसके अंदर दोनों तरह के सेप्टा हो सकते हैं सिंपल पोर सेप्टम और डॉली पोर सेप्टम दोनों तरह के सेप्टा उसके अंदर मौजूद होंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कई प्रकार से हो सकता है बर्डिंग से हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से होता है स्पोरेंजियो स्पोर्ट से हो सकता है या कोनीडिया के द्वारा हो सकता है बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी कई प्रकार से हो सकता है तो इसको चार सब डिविजन रखा तो ए मेस्टिको माइकोटा जो है ये भी ट्रू फंजाइ का ग्रुप है जैसे मेस्टिको माइकोटा था लेकिन ये हायर फंजाइ का ग्रुप है इसके अंदर हायर फंजाइ को रखा गया है और हायर फंजाइ के अलावा इन्होंने लोअर फनजई या फाइकोमाइसिटीज़ की उन उन क्लासेस को भी इसमें डाल दिया है जिसके अंदर जो कि नॉन मोटाइल थी तो यहाँ पर यू कैन सी जो ये जो सब डिवीजन है चार सब डिवीजन्स में बांटा ए मेस्टिगो माइकोटा को मैंने यहाँ पे बताया है कि मोटाइल सेल्स नहीं पाई जाती और माइसिलियम सेप्टेट या ए सेप्टेट हो सकता है तो जाइगो माइकोटेना जो सब डिवीजन है टोटल चार सब डिविजन्स है वन इजगो माइकोटेना सेकेंड इज एस्को माइकोटेना थर्ड वन इज बेसिडियो माइकोटीना एंड द फोर्थ वन इज ड्यूट्रो माइकोटेना इसमें एस्कोमााइकोटेना बेसिडियो माइकोटेना ड्यूट्रो माइकोटेना ये हायर फंजई के सब डिविजन्स हो गए और लोअर फंजाई या फाइकोमाइसिटीज का एक सब डिविज़न यहाँ इसमें एड हो गया है वो है जैगो माइकोटेना तो जैगो माइकोटीना को इन्होंने सेपरेट ए मेस्टिगो माइकोटा में डाल दिया और इसके अंदर जो माइसीलियम होगा जैगो माइकोटेना के अंदर वो क्या होगा सेप्टेट माइसीलियम होगा क्योंकि लोअर फंजाई वाला ये ग्रुप है तो ये एसेप्टेड माइसीलियम और सीनोसिटिक टाइप का माइसीलियम इसमें होगा और इसमें इन्होंने दो क्लासेस को डाला वन जाइगोमाइसिटीज एंड अदर इज़ ट्राइकोमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर जो स्पोरेंजियो स्पोर्स होते हैं वो एप्लेनोस्पोर्स होते हैं और ये अपलानोस्पोर्स या स्पोरेंजियो स्पोर्स जो होते हैं ये एंडोजिन एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं विद इन द स्पोर एनजियम प्रोड्यूस होते हैं और ट्राइकोमाइसिटीज के अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो एसेक् स्पोर्स जो होते हैं कोनीडिया होते हैं और दैट आर प्रोड्यूस्ड एक्जोजीनसली ऑन कोनीडियो फोर्स तो जाइगोमाइकोटेना जो है मेंबर्स में स्पोर्स एप्लेनोस्पोर्स या नॉन मोटाइल टाइप के होते हैं पर माइसीलियम एसेप्टेट होता है लेकिन ये जो तीन सब डिविज़न बाकी के हैं एस्कोमाइकोटेना बेसिडियो माइकोटेना एंड द थर्ड वन इज ड्यूट्रो माइकोटेना इनमें माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है और वो विथ सेंट्रल पोर होता है पोर एस्कोमाइकोटेना के मेंबर्स के अंदर सिंपल पोर सेप्टम होगा लेकिन बेसिडियो माइकोटेना के मेंबर्स में वो डॉली पोर सेप्टम होगा ओके ड्यूसरोटिना के अंदर भी सेप्टेट फंजाई होती है पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रिपोर्टेड नहीं होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद दी हेल्प ऑफ अ कोडिया होता है हम बात करेंगे एस्कोमाइकोटेना की तो एस्कोमाटेना के जो मेंबर्स हैं उसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर्स होते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आ, डेवलप होते हैं एस्को स्पोर्स एस SI के अंदर और वो फ्रूटिंग बॉडी कहलाती है एस्कोकार्प जो कि एपोथीसियम पेरीथीसियम क्लिस्टोथीसियम या एस्कोस्ट्रोमा के फॉर्म में हो सकती है बेसिडियो माइकोटिना के मेंबर्स के अंदर बेसिडियो माइसिटीज क्लास आती है जिसके अंदर बेसिडियोकार्प जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसके अंदर फ्रक्टिफिकेशन होती है जिसमें जो गिल्स होते हैं उस गिल्स के अंदर जो बेसिडिया होते हैं उन बेसिडिया के ऊपर बेसिडियो स्पोर्स लगे हुए होते हैं तो स्पोर्स यहाँ पर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं ऑन बेसिडिया लेकिन एस्कोमाइकोटेना में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं असाई के अंदर इनकलोज होते हैं ड्यूट्रो जो कि फॉर्म क्लास है या जिसे फंजाई इम्परफेक्टाई कहा जाता है इसके करेक्टर्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें रिपोर्टेड नहीं है सोमेटिक माइसिलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है एंड ये कोनीडिया के द्वारा इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो ये कोनीडिया या तो सिंगली प्रोड्यूस होते हैं और दे आर प्रोड्यूस इन सॉरी दे आर दे कैन बी आइसोलेटेड और दे कैन बी एग्रीगेटेड और अगर एग्रीकेटेड होते तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रक्टिफिकेशन बना लेते हैं ए सेक्सुअल फ्रक्टिफिकेशन जिन्हें मैंने आपको कर, पहले भी पिछले लेक्चर में भी बताया था जिन्हें या तो सिनेमेटा या सिनेमा कहा जाता है या पिकनीडिया या एसरव्यूलाई कहा जाता है सो दिस इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वॉज गिवन बाय एलिक्जोपोलस एंड मेम्स जो आपके सिलेबस में है दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर थैंक यू